हेलो गाइस, मैं हूँ सुमेर सिंह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्तों आज हमारे पास है ये न्यू स्विफ्ट, जो आज हम इसके अंदर इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, ये है हमारे एलईडी मैट्रिक्स डी पिलर लाइट, जो ये हम लोग करने वाले हैं पूरा विदाउट वायरिंग कटिंग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। और ये आपको फुल वाटरप्रूफ देखने को मिल जाता है ये वाला। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की रहती है हमारी मैट्रिक्स एलईडी डी पिलर लाइट। और ये है हमारा स्विफ्ट का डिफ्यूज़र है ये, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक और सिल्वर में आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर और ब्लैक में। और इसमें आपको ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्रोम का टच भी देखने को मिल जाता है। और आप देख सकते हैं इसके पीछे आपको स्क्रू की किट दी हुई रहती है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बिल्कुल आसानी से फिट हो जाता है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अभी स्विफ्ट का ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है, यहाँ पे हम लोग अभी डी पिलर लगाने वाले हैं, जो इस टाइप से बिल्कुल ये पूरा पुश बटन पे ये बिल्कुल फिट रहता है ये। और ये हम लोग पूरा इसको रिमूव करने वाले हैं, बिल्कुल आसानी से रिमूव हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं हमारा डिफ्यूज़र ये बिल्कुल। और ये वाली टेल लाइट पर हम लोग अभी ब्लैक क्रोम हम लोग लगाने वाले हैं इस पर। और आप देख सकते हैं ये वाली जो ब्लैक पोर्शन जो हमने निकाल लिया है, जो ये वाली जो बटन्स हैं, ये बटन ये जो यही वाली जो बटन रहती है वो इसके अंदर वो फिटिंग हो जाता है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिटिंग आ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये हमारा डी पिलर लाइट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो जाता है और कहीं से कहते हैं कि आपको गैप देखने को नहीं मिलता है। और ये वायरिंग हमारे बिल्कुल साइड से निकल ली आती है और आप देख सकते हैं। और फिटिंग की बात करें तो काफ़ी प्रॉपर और बढ़िया तरीके से ये फिटिंग हो जाता है ये हमारी एलईडी मैट्रिक्स डी पिलर लाइट। ये आप देख सकते हैं डिग्गी भी लग जाती है तो कोई मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आती है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये कनेक्शन भी हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं इसका टेल लाइट क्रोम ब्लैक क्रोम काफ़ी प्यारा लुक आता है ये हमारी स्विफ्ट का, ये आप देख सकते हैं और काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है। और यहाँ पे हमने जो डी पिलर लगाया हुआ है वो डी पिलर भी लग चुका है। और इस पर हमने डिग्गी पे हमने अभी आप देख सकते हैं जैसे हम कभी ऑन करते हैं तो ये आपका मैट्रिक्स में ऑन ये ऑन हो जाता है। और ये डिग्गी पे हमने अभी ग्राफिक्स भी चिपकाया हुआ है ब्लैक विनाइल का, और जो 10 कलर में हमने ये हमारे जो हनुमान जी है ये हमने स्टिकर लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है स्टिकर का भी ग्राफिक्स का। और आप ये देख सकते हैं ब्लैक क्रोम टेल लाइट भी हमने लगाई है। और ये हमारा डिफ्यूज़र है, ये हमारा डिफ्यूज़र भी लग चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और आपको स्क्रू भी नहीं दिखेगा कि आपने कहाँ पे स्क्रू लगाया हुआ है, और बिल्कुल हिडन तरीके से ये स्क्रू भी बिल्कुल टाइट हो जाता है और काफ़ी बढ़िया लुक आता है। और आप देख सकते हैं ये है हमारा ब्लैक स्पॉइलर है, ये ब्लैक स्पॉइलर भी हमने लगाया है। और ये भी हमारा ABS स्पॉइलर रहता है, ये ABS मटेरियल में रहता है और ये भी काफ़ी लाइट वेट रहता है। और ये जैसे आप कभी इंडिकेटर देते हैं तो आपका इंडिकेटर में ऑन हो जाता है, वो जैसे आप कभी पार्किंग ऑन करते हैं तो आपका ये पार्किंग में भी ऑन हो जाता है हमारा डी पिलर लाइट। और आप जैसे आप कभी ब्रेक भी दबाते हैं तो ये आपका ब्रेक में भी ये काम करता है ये। बाकी हमारा ABS भी लग चुका है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं। वो स्विफ्ट का बैक पोर्शन काफ़ी प्यारा लुक आता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे डिफ्यूज़र से। और ये हमने जो टेल लाइट जो ब्लैक क्रोम लगाया हुआ है इससे भी काफ़ी प्यारा लुक आता है स्विफ्ट के बैक का। और ये जो आप देख सकते हैं डी पिलर लाइट, और ये हमारा ABS स्पॉइलर है। और आप देख सकते हैं जो हमने जो ग्राफिक्स लगाए ग्राफिक्स का भी प्यारा लुक आ रहा है।